पूरे भारतवर्ष में लगातार वैलेंटाइन डे का विरोध कई वर्गों के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने के लिए युवाओं को कई संस्थाएं और धार्मिक संगठन प्रेरित करने का कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करवा रहे हैं। बाड़मेर में भी विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना समेत कई संगठनों ने वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बिश्नोई ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बच्चों को अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता ने उनको अनेक पीड़ाएं सहकर जन्म दिया है और पिता ने उन्हें उंगली पकड़कर इस दुनियादारी में चलना सिखाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की खुशी के लिए माता पिता अपना हर सुख और दुख त्यागने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को बोझ लगते हैं और वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे मार्मिक दृश्य तब बन पड़ा जब बच्चे अपने माँ बाप के पास गए और उनको माल्यार्पण कर भगवान की तरह उनके चरणों में जब शीश नवाया तो माँ बाप की रुलाई फूट पड़ी। माँ बाप की आंखों से आंसू झरने लगे और ऐसा लगने लगा कि जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जा रही थी वो गाहे बगाहे ऐसे आयोजनों में ही क्यों दिखता है। जब माता पिता यह एहसास करे कि उनकी औलाद उनको भगवान की तरह पूजती है, जबकि होना ये रोज चाहिए। इस पूरे दृश्य को देखकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू फूट पड़ेंगे और वैलेंटाइन डे से ज़्यादा मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों खास है भारत जैसे देश में, यह भी एहसास हो जाएगा। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे पर हाथ फैलाएं और उनको प्यार करें। इनका आपका प्यार इन बच्चों को मिलेगा तो ये बच्चे इनका जीवन धीरे 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 उन्नति की ओर अग्रसर हो। ऐसा दुर्लभ दृश्य आज यहाँ पर देखने को मिला। आज भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ऐसे माता पाए हैं उनको भी ये संस्कार सिखाने चाहिए। कई बुजुर्ग जो बैठ रहे हैं स्टेज के ऊपर वो भी ये कह रहे थे कि हमने भी हमारे माता पिता का इस तरीके से सम्मान नहीं किया। और मैं आपको बताऊंगी सम्मान तो अलग चीज है, जो विकसित देश है वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर जो बुजुर्ग जो बुढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं अभिभावक हैं उनके लिए अलग से ओल्ड एज होम बने हुए हैं।
यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन देशों में बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए अलग से ओल्ड एज होम बने हैं।